यीशु सबको, मेरा नाम तो जयंती कि मेरा नाम ग्रेसी है और मैं सबको धन्यवाद दूंगी और आप सबको यीशु बोलती हूँ। ईश्वर की कृपा से आज का दिन और आज का समय मुझे दिया गया था और अभी भी है वो समय मेरे लिए। और मेरा ग्रुप का नंबर है 7 और मेरे ग्रुप के सारे मेंबर्स बहुत अच्छे थे। मेरे को उनको जानने का मौका मिला और जो ब्रदर बताते गए, जब हम उसको फॉलो करते गए तो उनके हिसाब से हमें पवित्र आत्मा गाइड करते गया, मुझे भी गाइड किया। अभी जस्ट हम ग्रुप में प्रेयर कर रहे थे तब सबके लिए मैं प्रार्थना कर रही थी, पवित्र आत्मा को सबसे पहले हम आमंत्रित करते हैं हमारी इसमें, तो मैंने उनकी आमंत्रित किया, हैंडओवर किया। मेरे पूरे परिवार, मेरे जो ग्रुप है वो भी मेरा परिवार है, तो मेरे परिवार का एक छोटा सा परिवार जो मेरे को ब्रदर के थ्रू से मिला, तो उन परिवार के हर एक सदस्य को मैंने समर्पित की परमेश्वर के हाथ में, पवित्र आत्मा के हाथ में। जब मैं प्रार्थना की तो मेरा अनुभव ये था कि मेरे एकदम से सडनली मेरा हेडेक होने लगा, तो मैं सोच रही थी कि परमेश्वर ये क्या, मेरा सर क्यों दुख रहा है। तो मैं सोच रही थी शायद सुबह से ये होगा तो दुख रहा होगा शायद करके, बट ना सडनली जैसा हमारा प्रेयर ख़त्म हुआ तो हमारे ग्रुप में की एक आंटी बोली कि प्रार्थना करने के लिए बोले, हम सबका कर लिए थे कॉमन, फिर ना फिर भी टाइम था तो हम बोले थे कि ग्रुप में एक एक जन का बोल के हम उसको ईश्वर की स्तुति आराधना करते हुए समर्पित करेंगे करके। तो आंटी जैसा बोले कि मेरे बच्चों के लिए, मेरे सर दर्द भी हो रहा था, इधर पेन था, तब मुझे समझ आया कि जब हम मध्यस्थ प्रार्थना करते हैं अगर सामने वाले इंसान की इसमें अगर कुछ तकलीफ है, दुख है, उसे भी हमें परमेश्वर बताता है, पवित्र आत्मा हमें गाइड करता है। वो चीज़ मुझे भी पता चला और मेरे ग्रुप में एकता है, हम जो बोलते हैं हमारा पूरा ग्रुप सुनता था अच्छे से, ईश्वर की और जो ब्रदर बोलते थे उसकी ओर सुनते थे। और मुझे अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, थोड़ा सा नया एक फैमिली टाइप फील हुआ। और आप सब बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छा गाइड भी करते हो और सब कुछ अच्छा है। थैंक यू यीशु।